हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और मैच का प्रीव्यू लेके आ चुका हूँ। ये मैच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा था और यह मैच 9:30 बजे रात्रि में हो रहा था। और इस मैच में पहले पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग का करने का फैसला लिया। बैटिंग करते हुए 20 ओवर में पाकिस्तान ने 130 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। और इस मैच में जो कि हाईएस्ट रनर रहे हैं वो इमाद वसीम, इन्होंने 57 गेंदों पे 64 रन बनाए थे 2 छक्के और 3 चौके की मदद से। और इनके जो कि कप्तान थे दूसरे हाईएस्ट रनर रहे हैं शादाब खान, इन्होंने 25 गेंदों पे 32 रन बनाए थे 3 चौके की मदद से। इनका स्ट्राइक रेट 128 का था। और वहीं सबसे किफ़ायती बॉलर अफगानिस्तान के रहे राशिद खान, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन सिर्फ दिया और 1 विकेट भी लिया था। और दूसरे करीम जन्नत, जिन्होंने 3 ओवर में 13 रन दे के 1 विकेट। नवीन उल हक ने भी 4 ओवर में 26 रन दिया था और 1 विकेट। फजल फारूकी ने 4 ओवर में 19 रन दे के 2 विकेट लिए थे और 1 मेडन ओवर भी डाला था। और इसके बाद अफगानिस्तान ने इस रन चेस को भी लास्ट गेंद के पहले ही 19.5 ओवर में चेस किया। और इसमें गुरबाज अहमद जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, इन्होंने 49 गेंदों पर 44 रन बनाए और रन आउट हुए। नसीम शाह, इन्होंने गुरबाज ने 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 44 रन बनाए थे। नवीनुल हक ने 12 गेंदों पर 23 रन। मुजीबुर मोहम्मद नबी ने 9 गेंदों पर 14 रन। और ये मैच बहुत ही आसानी से अफगानिस्तान ने जीत लिया। 2 लगातार मैच जो कि अफगानिस्तान ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा के जीत लिया है। और आज 3रा मैच है, देखते हैं क्या इस मैच में पाकिस्तान जीत पाती है या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा।